आज की जो रेसिपी है वो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी, मतलब 15 मिनट में आप गणेश जी का प्रसाद तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, दूध में गर्म यहाँ कर पे रही हूँ। करीब 2 लीटर मैं दूध ले रही हूँ, जिसे बॉईल कर ले रही हूँ। बॉईल हो रहा जब ये ऊपर आने लगे तो गैस को ऑफ कर दीजिए। और इसी जगह पे मैं यहाँ पर विनेगर डाल रही हूँ, आप विनेगर की जगह नींबू ले सकते हैं। तो मैं बड़ा चम्मच यूज़ कर रही हूँ इसलिए 2 चम्मच ले रही हूँ, उसको आप छोटे चम्मच से हूँ। 4 चम्मच विनेगर लीजिए बना देती हूँ और जस्ट नॉर्मल एक छेना बार अच्छी तरह मिक्स दो करके, मतलब हल्के चम्मच हाथ से, और 2-3 मिनट तक ऐसे इसे मैं वेल बीट करती करेंगे। हूँ जब तक दो ये तीन मिनट में ही क्या होगा, छेना पानी बन जो है रहा वो है अलग तो हो ये जाएगा, छेना मतलब जो हरे है रंग का पानी हो तैयार जाएगा होना शुरू हो और गया है। छेना थोड़ा जो और है रुकते हैं वो अलग हो जाएगा, आपको पता चलेगा। देखिए दो धीरे तीन धीरे मिनट जो तीन मिनट हो गए, छेना अलग हो गया छेना और भी 3 मिनट पानी तीन अलग मिनट हो हो गया, गया है, तो बस इतना ही, पानी दो अलग हो तीन गया। अब मिनट में इसे छेना छान हमारी लेती हूँ, तैयार हो गई और इसे मैं छान तैयार लूंगी। हो तो बस गई, मैं एक इसे कॉटन मैं का अभी क्लॉथ रखी छान हूँ लेती हूँ। और इसके ऊपर छेना को मैं डाल दे रही हूँ अब मैं इसे और फोल्ड मैं इसे अच्छी तरह पहले तो निचोड़ करके लूँगी और इसे साफ पानी से करीब दो थोड़ा से तीन ठंडे बार पानी से इसे धो धो लेती हूँ लूँगी। ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। मैं इसे अच्छे से दो धो तीन बार इसलिए लूँगी, धोना है क्योंकि इसमें जो विनेगर का मैं इसे अच्छे खट्टापन से है या नींबू जब धो लूँगी। डालेंगे उसका खट्टापन है तो वो निकल जाए, इसलिए इसे चलिए थोड़ा अच्छी अच्छी तरह तरह धो लीजिए पानी धोना से। होता है। तो मैं इसलिए ऊपर से भी एक बार धो दे रही हूँ क्योंकि मिठाई में थोड़ा ऐसे भी अगर ही खट्टा आएगा तो टेस्ट धो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं रहेगी, वो पूरी ख़राब हो लिया हो जाएगी। गया, तो इसलिए इसे धोना ज़रूरी ठीक है। है। और निचोड़ कर इसे मैं अलग रख देती हूँ और पानी निकलने रखती मैंने हूँ। यहाँ थोड़ा तब लिंबू तक डाल दिया, दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ पे इसे थोड़ा लेती हूँ पानी डाल पानी रही हूँ डाल दिया लिंबू और का, साथ ही पानी मतलब जस्ट 2-4 चम्मच, 1/2 लीटर और दूध इसमें करीब आधा लीटर मैं दूध अमेरिका डाल रही आधा हूँ लीटर दूध को मैं और इसे बॉईल मीडियम फ्लेम करूँगी पे मैं कुक करते हुए लगातार रबड़ी पांच की से जैसा बना लूँगी, इसमें दूध रबड़ी का तैयार होगी। खोआ जैसा, मतलब गाढ़ा करूँगी, खोआ नहीं बनाऊंगी, मतलब रबड़ी दूध जैसा ही रखूंगी। मैं धीरे इसे धीरे इसे चलाते भी रहेंगे सुखा बीच लूँगी, बीच में जब तक और कभी लो कभी कम आंच मीडियम पे फ्लेम तब करके तक इसे इसे सुखाएंगे हम और रबड़ी तैयार कर लेंगे। पानी तो यहाँ पे ये देखिए रबड़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो छोड़ बस दी, मैं यहाँ पर रेडी होने वाली है। गैस को एकदम लो कर दी हूँ और जो छेना है उसमें से भी काफ़ी पानी निकल चुकी है। तो बस इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इसे और मैं इसे मसाला तैयार हाथों कर से लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से मसल लूँगी इसे मैं ताकि दोनों जो ही उसके हाथ से दाने हैं वो टूट जाए। काफ़ी जैसे अच्छे हम से लोग मसल रसगुल्ला लूँगी। बनाते हैं ना वैसे तो ही रसगुल्ला भी इसको तैयार मैं कर अच्छे से दूँगी, मसल मसल कर लेती हूँ जिससे कि सारे दाने जो हैं थोड़े टूट जाए। मिर्ची मतलब भी ज़्यादा मेहनत वाली नहीं है ये, 2 मिनट की, ये बहुत कम मेहनत में ये इसे काफ़ी मिठाई अच्छे से बनती है मसल देती हूँ, और इसे बहुत 5 मिनट कम के लिए कर पैसे में दूँगी। भी ये मिठाई बनती है। और ये इसे देखिए अपनी रबड़ी जो है रेडी हो गई है, परफेक्ट रबड़ी है, मैं दूध इसमें एकदम कम हो गया, करीब आधे कप के बराबर हो गया है। और इसमें जो छेना मैं मसल कर रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे लगातार चलाते हुए मैं कुक कर लेती हूँ। मतलब मैं इसे 1 या 2 मिनट लो फ्लेम पे रखूँगी। अभी देखिए रबड़ी और जो छेना है वो अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो गया है। मैं थोड़ा यहाँ अब निकाल यहाँ लूँगी, पे क्योंकि मुझे मैं थोड़ा निकाल चीनी लेती वाला हूँ बनाना क्योंकि है, मुझे मैं बिना निकाल चीनी के लूँगी। लिए का भी मिठाई बनाना है। अब तो इसमें बस मैं 2 के 1/4 कप अंदाज में मैं निकाल ली चीनी हूँ डाल दूँ, और बाकी मैं यहाँ चीनी पे का मैं मीठा चीनी पानी डाली होगा हूँ। ऊपर से, चीनी मैं यहाँ पे वन वहाँ पे फोर्थ इसे कप से मैं डाली हूँ। थोड़ा अगर आपको बहुत मिक्स कर ज़्यादा लूँ मीठा ताकि पसंद है चीनी तो 2-3 चम्मच रहे एक्स्ट्रा और डाल दीजिए, ज़्यादा मत डालिए क्योंकि ये मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगे है, कम मीठा है तो ठीक रहेगा। इलायची पाउडर भी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ और इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ, अभी कूट कर मैं इसमें मैं इलायची थोड़ा पाउडर हरी डाल रही मिर्ची हूँ भी यहाँ डाल पे, दूँ, आप केसर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और अच्छी तरह मिक्स कर लियो और गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। और अब इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे, गैस ऑफ है, और इसे अच्छी तरह करीब आधा एक घंटा छोड़ मिर्ची दीजिए भी मैं अच्छी तरह थोड़ा हो ठंडा गई है। होने दें। उसके ठंडा होने के बाद अच्छी क्या तरह आप ठंडा इसके हो गया, बहुत आसानी से लड्डू प्रिपेयर कर सकते हो। गरम गरम में नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में भी गरम लगेगी और चीनी भी हाथ में सटेगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया से लड्डू तैयार हो रहा है। साइज़ जो है वो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे मैं तो यहाँ पे 2 लीटर दूध, मतलब ओवरऑल मैं रबड़ी इसे मिला के लड्डू 2.5 लीटर दूध रेडी में कर रही हूँ, करीब 18 लड्डू रेडी की इनमें हूँ। बिना तो चीनी ये है, पूरी इनमें मिठाई बिना की जो लड्डू डब्बा है, है तो ये वो बिना भर चीनी गई वाले है। हैं और ये चीनी वाले हैं। और यहाँ पे ठीक मैं है, यहाँ तो मैं सिंगल अच्छा कर दूँ, फॉइल मैं लगा दूसरा रही थोड़ा हूँ, ये अच्छे से भरता ऑप्शनल मेरा है, बहुत मत आप दे चाहे लो। तो ऊपर हाँ से ठीक, ड्राई फ्रूट्स देख भी जाओ रख मैं सकते हैं। इस तो मैं पे यहाँ यहाँ पे पे मैं लगा दूँ, लगा दे रही हूँ, मतलब ठीक है, जैसे ये मेरे मार्केट में मिठाई का मिलता है ये ऑप्शनल वही है, कर रही हूँ, और गणेश जी इससे का कि मैं मिठाई वेलकम की कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ, तो रेट उनके बढ़ लिए मैं बहुत जाती है। अच्छे से मिठाई ना बना ही रही ना हूँ। फायदा पता नहीं, मुझे तो आज यहाँ पे बीमार आ रहा था सारे तो मुझे मेरे लीव पीने मिठाई दे तो रही थी। रेडी हो गए। आप भी मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि तो ये आपने हमारी कौन सी प्लेट रेडी मिठाई हो गई, बनाई है।
और होप ये आपको ये रेसिपी बहुत इजी लगी होगी। अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।